ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कोस थीटा ठीक है बेटा अब इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऑर्डर से कुछ फर्क आ जाए मैं ए बी कोस थीटा लिख दूं या बी ए कोस थीटा लिख दूं या फिर मैं लिख दूं कोस थीटा ए या फिर कोस थीटा बी अगर इनमें से मैं कुछ भी लिखता हूं तो दिस मीन्स ये सारी की सारी चीजें बराबर है अगर ये सारी की सारी चीजें बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि ए डॉट बी करूँ या बी डॉट ए करूं दोनों की दोनों बातें सेम होंगी है ना दोनों की दोनों बातें सेम होंगी ए डॉट बी और बी डॉट ए इसको बोलते हैं कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव कि इफ आई वॉन्ट टू इफ आई वॉन्ट टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर ए विद सम अदर वैक्टर विच इज सम ऑफ समर बी एंड सी तो बी एंड सी का सम है

तो इसको क्या कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट वो डिस्ट्रीब्यूटिव है डिस्ट्रीब्यूटिव है अब इसको भी आप सिमिलरली एक्सपेंड करके देख सकते हो कि ये कैसे है अगर a a plus b है देखो अभी हमने वेक्टर सम देखा नहीं है तो इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा ठीक है वैसे ही सीधा ही दिख रहा है क्योंकि वेक्टर सम में अपन कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं है ना या फिर हम उसको किसी फॉर्मूला के बेसिस से जैसे हमने आर का फॉर्मुला देखा था आर वॉज इक्वल टू पी क्यूटा तो उनसे आप ऐड करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आपकी वेरीफाई हो जाएगी ये वाली ठीक है तो आप इसको एक बार बस याद रख लो ऐसा यूज आएगा नहीं बस एप्लीकेशन है वहां यूज आएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विल बी मैक्सिमम वेन मैक्सिमम ठीक बात है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए बी कॉस थीटा जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा यानी कि कोस थीटा जब मैक्सिमम होगा ओनली देन डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम अब कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा तब थीटा मिनिमम होगा थीटा मिनिमम क्या हो सकता है जीरो डिग्री जीरो डिग्री है यानी कोस ऑफ जीरो विल बी वन एंड वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस फंक्शन तो कोस थीटा मैक्सिमम तब होगा वेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री ठीक है अब इसका मतलब एक और भी हो गया देखो इसको प्रोजेक्शन के तरीके से देखो इफ बोथ द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है इफ बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन उस टाइम पे कोस थीटा मैक्सिमम होगा यानी कि इन दोनों वैक्टर के बीच में एंगल होगा जीरो इस समय मेरा क्या होगा कोस थीटा मैक्सिमम होगा तो इससे ये पता चलता है कि वैक्टर बी का जो प्रोजेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू वैक्टर बी इट है ना और वेक्टर ए तो वेक्टर ए ही है या फिर ए का प्रोजेक्शन भी एक वेक्टर ए के बराबर होगा तो प्रोजेक्शंस आर इक्वल टू द दे वेक्टर्स देमसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर केस कब जब कोस थीटा जीरो हो। थीटा मैक्सिमम हो और थीटा हो जीरो तो ए बी मैक्स की वैल्यू क्या होगी ए बी A, cos को वन लिख दिया यहां पे cos जो था उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर अगर दो नॉन हम कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट किन ही दो नॉन वेक्टर्स का अगर वो जीरो आ रहा है तो क्या हो सकता है ए बी थीटा के अंदर या तो ए जीरो हो सकता है या बी जीरो हो सकता है या थीटा जीरो हो सकता है फॉर द प्रोडक्ट टू बी जीरो अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट जीरो चाहिए तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है एक या तो ए जीरो हो जाए या फिर बी जीरो हो जाए या फिर थीटा जीरो हो जाए अब दिया गया नॉन जीरो वैक्टर्स हैं। अगर नॉन जीरो वैक्टर्स हैं तो दिस देयर मैग्नीट्यूड्स आर नॉन जीरो तो ए जीरो नहीं हो सकता बी जीरो नहीं हो सकता तो फिर बची पॉसिबिलिटी क्या है कि कोस थीटा ही जीरो होना पड़ेगा और कोस्ट थीटा जीरो होगा दिस कि थीटा इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू नाइनटी डिग्री है तो जब नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे और उनका अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए इसका मतलब दी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू टूच अदर परपेंडिकुलर टू अदर मतलब दी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 90 डिग्री राइट right? अब इन दोनों का 90 डिग्री हो गया प्रोजेक्शन वाइज देखो इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ये वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है तो क्या होगा दे आर परपेंडिकुलर दिस मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी ऑन वैक्टर ए इज ए पॉइंट हाँ ये पॉइंट हो गया जीरो या फिर सिमिलरली देखें कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ये भी पॉइंट इधर ही आएगा तो दिस मीन्स कि हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है इन व्हेन द वेक्टर्स आर एट 90 डिग्री टू इच अदर व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर दैट विल बी जीरो ठीक चलो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इटसेल्फ इज टर्मड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड इज गिवन बाय देखो अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों जगह पे वेक्टर ए को रख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए थीटा इस केस में क्या होगा जीरो डिग्री तो वन आएगा दिस विल बी ए स्क्वायर तो इसको सोल्व करके आएगा ए डॉट एक्वल टू ए स्क्र अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है इफ आई आई एम गिवन विद द डॉट प्रोडक्ट तो हम डॉट प्रोडक्ट लेके अंडर रूट ले लेंगे वही तो हम कर रहे हैं देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे कंपोनेंट वाइज डॉट प्रोडक्ट जब हम ले रहे थे कंपोनेंट वाइज डॉट प्रोडक्ट उसके केस में यहाँ पे देखो ये ये जब कराऊंगा मैं तब बताऊंगा इस वाले का क्या मतलब है ए डॉट ए हम लोग निकालते थे ना वेन वर कैलकुलेटिंग दैन वी वर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अः वैक्टर तो उसमें क्या कर रहे थे वी वर टेकिंग द एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर देन वाई कंपोनेंट का स्क्वायर देन जेड कंपोनेंट का स्क्वायर तो अभी जब हम डॉट प्रोडक्ट को कंपोनेंट फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये चीज प्रूफ होती नजर आएगी कि वेक्टर ए अगर उसका मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है तो डॉट प्रोडक्ट का ही वो वो होता है क्या बोलते हैं

तो वन होता है तो वन इंट वन इंटू वन वन आ गया तो कोई भी यूनिट वैक्टर हो वेदर इट इज एनी यूनिट देखो एन का मतलब है कि यूनिट कैन बी इन एनी डायरेक्शन ना तो एन डॉट एन ले लो फिर उसके स्पेशल केसेस जो हमने देखे थे थ्री कार्टेशियन एक्सिस के अलोंग तीन हो गए ना आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इन तीनों और ये एन कोई भी रैंडम वेक्टर हो अगर इफ इट इज यूनिट वेक्टर और उसका प्रोडक्ट सेम यूनिट वेक्टर के साथ हो रहा है दैट विल ऑलवेज बी वन तो ये हमने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट अब शिफ्ट करते हैं इनमें से किसी को कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आई तो डाउट पूछो बेटा रेज कर लो और पूछ लो ठीक है टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल ओ सॉरी टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर इफ देट डॉट प्रोडक्ट इज जीरो दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री एंगल है 90 होगा दिस डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ठीक अब ये सारी होगी प्रॉपर्टी खत्म अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में हमें वेक्टर रिजोल्ड फॉर्म में दिया हुआ है रिजोल्व फॉर्म मतलब क्या था बेटा यही है रिजोल्ड फॉर्म वैक्टर ए को देखो यहाँ पे वैक्टर ए को देखो खाली वैक्टर ए दिख रहा है वेक्टर A, देखो ये वाला है वेक्टर ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप एक्स आई कैप क्यों लिया क्योंकि आई कैप वाज़ इन यूनिट वेक्टर आई आई कैप क्या था यूनिट वेक्टर था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसलिए उसका जो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मैंने लिख दिया आई कैप के साथ सिमिलरली वाई जे के साथ वाई वाई कंपोनेंट और जेड के साथ

एक्स प्लस वाई को ए प्लस बी के साथ तो कितने बच्चे इसको कर सकते हो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी बाकी सब लोग बाकी सब लोग भूल गए अच्छा ठीक है इसको करवाओ फिर अब एक्स प्लस वाई को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई पहला टर्म क्या लिखूं लिखूक्स एक्स, एक्स. फिर ठीक है अभी और भी आएगा कुछ इसमें सर बस इतना ही। इतना ही ही आएगा ना देखो पहले इसका टर्म उठाएंगे फिर पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी से करेंगे तो एक्स के साथ ए किया ए एक एक्स एक्स के साथ बी किया बी एक्स फिर वाई उठा लिया फिर वाई के साथ ए किया ए वाई भाई के साथ बी किया बी वाई तो यही तरीका हम लोग मल्टीप्लीकेशन में करते हैं जब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं तो यही तरीका इस्तेमाल होगा बेटा ठीक है जिनको याद नहीं है वो पढ़ना तब आएगा अब देखो हाँ तो अब हम इसी प्रकार से इन दोनों वेक्टर्स को लिख लेंगे एक साथ वेक्टर ए डॉट बी मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर ए डॉट बी फाइंड आउट करना है तो वेक्टर ए को लिख लिया सबसे पहले अच्छा हाँ। इरेजर सेलेक्ट करके लिखने की कोशिश कर रहा था मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी अब देखो बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ वेक्टर ए क्या है ए एक्स आई कैप सिमिलरली पहली टर्म क्या है वेक्टर बी की बी एक्स

इसके साथ आई कैप था तो आई कैप लिख लिया डॉट इसके साथ जे कैप था तो जे कैप लिख लिया इसी प्रकार ए वेक्टर की फर्स्ट टर्म और बी वेक्टर की थर्ड टर्म एक्स बीजेड आई के। अब फिर दूसरे नंबर की एवाई जे के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक तो, दो को दो तीन को वही क्या एवाई बी एक्स एवाई बीवाई एवाई बीजेड और इनके करस्पोंडिंग जो यूनिट वेक्टर थे जे था तो जे एज इट इज तीनों में आ गया आई जे की ठीक फिर ए जेड बी एक्स ए जेड बी वाई एड बीड के था एड के साथ एक्सपेंशन के बाद इस एक्सपेंशन के बाद आई है कुछ एक टर्म ऐसी है जो जीरो हो जाएंगी वो कौन कौन सी टर्म है जो जो रेड में दिख रही है ना आपको ये जीरो हो जाएंगी कैसे होंगी वो बताओ हम लोगों ने देखा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स उसका फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला अरे हाँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है इफ आई वांट टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई आई कैप विद आई कैप तो क्या होगा फर्स्ट वैक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड टाइम्स सेकेंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड सेकेंड वैक्टर भी आई कैप ही है जीरो theta. Theta होगा हो ना तो इसको करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप सिमिलरली अगर जे कैप डॉट जे कैप करूंगा तो भी वन आएगा के कैप डॉट के कैप करूंगा तो भी वन आएगा क्यों आएगा तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया था आपके साथ ये उसका एक्सप्लेनेशन है देख लो यही चीज है तो ये तीनों वैक्टर तो मेरे पास आएंगे वन आई आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के अब बचे मेरे पास और अदर छह पॉसिबिलिटीज हमारे पास टोटल नौ टर्म्स थी इसमें से छह पॉसिबिलिटीज और बच गई पहला देखो द फर्स्ट टर्म इज आई डॉट आई ये मैंने निकाल लिया फिर जे डॉट जे निकाल लिया के डॉट के निकाल लिया अब देखो दूसरी टर्म पे आते हैं ए एक्स बीवाई आई डॉट जे तो इसमें आई डॉट जे दिया है वेक्टर आई डॉट टाइम्स वैक्टर जे कैप आई कैप डॉट जे कैप

इन दोनों के बीच में नाइन्टी डिग्री होगा कितने बच्चों को पता है बस वही करो जिनको ये बात पता है ठीक है तो I .J, मेरे को पता चला कि 90 डिग्री होगा कॉस 90 क्या होता है जीरो 90 जीरो देखो मैग्निट्यूड को वन लिखू वन लिखू और इधर ये जीरो तो वन इंटू वन इंटू जीरो तो सबको लेडो तो जीरो वैल्यू आएगी आई डॉट जे हो या फिर आईडोट जे हो या फिर आईडोट के हो के और आई के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा जे और आई के बीच में 90 सब ये जितने भी रेड वैल्यूज है ना रेड रेड में जो लिख रहा है इन सब के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री और कोसाइन ऑफ 90 डिग्री जीरो हो जाएगा। तो ये जो छह टर्म बच गई टर्म्स जो बच गई इन सब का जो मैग्निट्यूड है वो हो जाएगा जीरो तो ये ये हो जाएगी जीरो ये हो जाएगी जीरो ये जीरो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो एक साथ लिखने के साथ हमें आई आई जे जे के के वैल्यूज और पुट कर दो तो क्या बचा खाली ए एक्स बी एक्स ए वाई बीवाई एड बीड क्योंकि ये वन था बेटा ये वाला पार्ट भी वन था तो ये भी वन था तो वन को लिखो चाहे मत लिखो तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए ए वाई वाई बी बी जेड जेड तो हमने डिराइव कर लिया एक तरीके से कि अगर दो वेक्टर मुझे कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं तो मुझे ये सब नाटक करने की जरूरत है नहीं आगे से मैं सीधा क्या करूंगा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए उठाऊंगा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी उठाऊंगा उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर वाई वाले उठाऊंगा उनको मल्टीप्लाई करूंगा जेड वाले उठाऊंगा उनको मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनल आंसर निकाल लूंगा क्या कर पाओगे ये सर yes, अब किसी बच्चों को डाउट है तो पूछ लो जिनको डाउट था पहले हाथ रेज कर रखे थे दो तो तीन बच्चों ने अब पूछो 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 ठीक है तो अब सवाल है आपके आगे क्या सवाल दिख रहा है निकालो क्वेश्चन नंबर वन डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर वन है वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों दिए हुए हैं मुझे ये फाइंड आउट करना है पहले सब्ट्रैक्शन करो कंपोनेंट वाइज फिर एडिशन करो और फिर इन दोनों का जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करो करो सब लोग यहाँ पे क्वेश्चन करना बेहद जरूरी है नहीं तो एग्जाम में फिर धुआं दिखेगा बेटा जैसे अब रिजल्ट आया अगले का भी वही आएगा फिर उसका भी वही आएगा डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आउट ऑफ द कंपटीशन भी हो जाओगे अच्छा फाइंड आउट क्या करना है वी आर प्रोवाइडेड विद एक्टर वेक्टर ए वेक्टर ए मुझे दिया गया है कैप कैप, कैप कैप। वेक्टर वेक्टर बी दिया है नाउ आई हैव टू फाइंड आउट जो दो वैक्टर आएंगे उनको उस तरीके से मल्टीप्लाई करना है जो हमने पिछले स्लाइड में सीखा है ठीक है करो दो मिनट का टाइम है फिर हम करेंगे मैं कराऊंगा आपको बेटा दिन का आंसर आ जाएगा वो हैंड रेस करेंगे ठीक है चलो डिस्कस करते हैं इसको क्या आंसर आया आंसर क्या है बताओ एक फाइनल आंसर आएगा एंड रूट के अंदर कुछ आएगा बताओ चलो मैं दिखा देता हूं क्या है माइनस नाइन किसका आया आंसर कितने बच्चों का माइनस नाइन आया है चलो देखते हैं अभी क्या आंसर आएगा इसका हो सकता है गलत भी दिया हो आंसर कोई दिक्कत नहीं है A है B है वेक्टर वेक्टर ठीक है पहले मुझे ए माइनस टू बी फाइंड आउट करना है फिर मैं फाइंड आउट करूंगा ए प्लस टू बी ये दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते डॉट प्रोडक्ट तो देखो बेटा ए माइनस टू बी यानी वेक्टर ए माइनस टू टाइम्स वेक्टर बी इसको कैलकुलेट करना है ए में से दो दो बार बी को घटाना है तो आई कंपोनेंट ले लो आई कंपोनेंट ऑफ ए बी में कुछ है नहीं तो एज इट इज लिख दिया आई कैप देन जे क्या था माइनस वन जे कैप था ए में और बी में माइनस जे था माइनस वन ए जे कैप ए का और माइनस टाइम्स माइनस जे कैप बी का तीनों मिलके क्या हुए माइनस जे कैप फिर ओके okay, ये माइनस था तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा बेटा माइनस और माइनस प्लस आई कैप जो है तो ये प्लस जे कैप हो जाएगा सॉरी प्लस जे कैप फिर तीसरा है आई में कुछ है नहीं के कैप पे बट यहाँ के कैप में टू के कैप है तो इसका क्या होगा माइनस फोर के कैप तो ये आया मेरे पास वेक्टर ए माइनस टू टाइम्स वेक्टर बी ठीक अब आता है ए प्लस बी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इनको ऐड करना है सीधा सीधा आई कैप इज I cap as it is. then j cap इट uh, J cap माइनस जे कैप है और माइनस जे कैप है तो दोनों एड होके क्या होंगे minus टू J cap और finally plus टू K cap. अब मुझे दो vector दिए गए एक तो ये और दूसरा ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है डॉट प्रोडक्ट करते टाइम में ये ध्यान रखूंगा जस्ट आई हैल्टीप्लाई द करोस्पोंडिंग कम्पोनेट तो डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी देखो आई कैप था उसको मल्टीप्लाई किया आई कैप के साथ वन और वन One हो गए बेटा, फिर इसका जे कैप और इसका माइनस तो का एट अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आएगी वो माइनस नाइन आएगी तो आंसर तो माइनस नाइन ही सही है देख लो बेटा आपने गलती कर दी होगी या तो इस फर्स्ट स्टेप में या फिर इस दूसरे डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम तो माइनस नाइन आंसर आएगा जिन बच्चों को आ गया सही है जिनका नहीं आया वो डाउट अभी पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हो रहा है डाउट है अभी किसी को ठीक है तो चलते हैं आगे ये सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आप सब लोग कर लेंगे आराम से ठीक है अब प्रोजेक्शन का भी देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए तो बी प्लस सी एक वेक्टर ले लेना उसका ए पे प्रोजेक्शन निकालना है तो कोस थीटा निकाल लेना सीधा प्रोजेक्शन आ जाएगा तो इनको एक बार अटेम्प्ट करेंगे टू थ्री और फोर को घर पे ठीक है कुछ डाउट हो तो मेरे को क्लास में पूछेंगे चलो अब बात आती है इसकी राइट एंड थम रूल अरे बीच का गायब क्या होगा भाई एक स्लाइड डिलीट कर दी क्या हमने रुको बेटा एक स्लाइड में ऐड कर देता हूँ इसमें शायद डिलीट हो गई है ऑटो सेव ऑन है ना ठीक है तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे ठीक है बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है डॉट प्रोडक्ट हमने देख लिया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर इज ए उसको डिफाइन करते हैं ए बी थीटा से और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने देखा था कि ये प्रोजेक्शन बताता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वैक्टर ऑन अनदर वैक्टर उसका चीज को लेके हम प्रोडक्ट करते हैं फाइनल आंसर एक स्केलर क्वांटिटी है ये हमने देखा था फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे थे कि एक वेक्टर वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की दिशा में कितना आएगा वो सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली अब एक और प्रोडक्ट बच गया जब हम स्टार्टिंग में प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे तो इसमें क्या देखा था क्वान्टिटी तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डिफाइन कैसे करते हैं ए क्रॉस बी वैक्टर ए क्रॉस बी चलो अब आते हैं इसी चीज पे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं का का कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किससे मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा से और साथ में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे डायरेक्शन भी होगी क्योंकि फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है एक वेक्टर क्वांटिटी

आप लोगों ने राइट हैंड रूल देखा है कि राइट हैंड रूल देखो यू आर डिसाइडिंग द डायरेक्शन जब आपको ए डॉट बी नहीं ए क्रॉस बी अगर लेना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको लेना है तो उसके लिए एक डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन हमें आएगी कहां से राइट हैंड रूल बोल लो या राइट हैंड स्क्रू रूल बोल लो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर ए और अपने जो हाथ है उनकी उंगलियों को वेक्टर बी की साइड कर्ल करेंगे यानी ए से स्टार्ट करेंगे वेक्टर बी की साइड कर्ल करेंगे और एक हमें डायरेक्शन मिलेगी ठीक है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी किससे ए और बी के ए और बी <coughs> प्लेन <coughs> प्लेन ऑफ <और> वेक्टर ए। <coughs> जस्ट वेट अ सेकंड बेटा हमारे पास वेक्टर ए एंड बी इन दोनों का एक प्लेन है तो उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ प्लेंग वेक्टर ए एंड बी उस प्लेन में हम अपने हाथ को रखेंगे फ्रॉम वेक्टर ए स्टार्ट करेंगे एंड मूव टुवर्ड्स वेक्टर बी तो हमें एक डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन क्या होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और डायरेक्शन परपेंडिकुलर एन कैप हो सकती है इन अपवर्ड डायरेक्शन और एन कैप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो हमें दो डायरेक्शंस मिल सकती हैं जो क्या होगी दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स अब वो परपेंडिकुलरली दोनों दो पॉसिबिलिटी दो है जैसे यहां पे इस पर्टिकुलर केस में आपको दिख रहा है आइदर इट कैन बी परपेंडिकुलर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है अब ए डॉट बी अगर लू मैं यहाँ पे आप इमेजिन करना राइट right हैंड अपने राइट हैंड right को रखो इस प्लेन पे फ्रॉम ए टू बी स्टार्ट करो तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड किसका आएगा ए क्रॉस बी का और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड किसका आएगा बी क्रॉस ए का बी से स्टार्ट करूंगा ए की तरफ आऊंगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी यानी कि नीचे जो जा रहा है वेक्टर एन कैप और अगर मैं ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाऊंगा और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूंगा तो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी वो आएगी ए क्रॉस बी की ठीक है तो एन कैप क्या है इट जस्ट प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और उसकी डायरेक्शन हमें कहां से मिलेगी विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल ठीक है और फॉर्मूला अगर हमें रिमेंबर करना है तो ए बी साइन थीटा कैप ये मेरा फॉर्मूला होगा ठीक है ये वही दिया है कि टू फाइंड आउट क्रॉस एक अब हम लोगों ने देखा कि एक क्रॉस बी है एक वेक्टर और दूसरा है बी क्रॉस से तो क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस से यहाँ पे बी क्रॉस से और एक क्रॉस बी इक्वल नहीं होंगे क्यों क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा ए बी साइन थीटा

के क्रोस आई इन तीनों के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से वी हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज अब देखो फर्स्ट ले लेते हैं पहले दो लिए आई और जे को उठाया और लिखा कैप कैप यानी आई एम टू टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स अब क्रोस प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद करो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है भाई ए क्रॉस बी अगर मैं ले रहा हूं तो दैट वॉज ए बी साइन थीटा एन कैप एन कैप डायरेक्शन आएगी ए बी साइंथीटा से मुझे इनका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा ठीक है डायरेक्शन का बताएंगे कैसे होगी डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स तो आप देखो आई क्रॉस जे मुझे लेना है अगर आई uh, अगर इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मैं आपको एक और uh, इसमें वैल्यूज पुट करा के दिखाऊ की आई एम आई टू टेक आई कैप क्रॉस जे कैप तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट मेरे को आई की आई कैप का मैग्नीट्यूड फिर जे कैप का मैग्नीट्यूड ठीक है उसको मल्टीप्लाई करना है साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर साइन ऑफ एंगल ऑर्थोगोनल है तो नाइनटी डिग्री होगा और देर विल बी सम यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन देखो अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है

साइन ऑफ 90 डिग्री साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री क्या होता है वन और एन कैप कोई एक डायरेक्शन होगी जिसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन कहां से मिलेगी अब डायरेक्शन मुझे मिलेगी राइट हैंड थम रूल से कि मैं आई से जे की तरफ जाऊंगा अपने राइट right हैंड को घुमाते हुए देखो इधर आ गए आई कैप था ये रहा आई कैप जे कैप ये रहा तो मुझे आई कैप से जे कैप की तरफ जाना है ठीक है अपने हाथ को रख के अब यहाँ पे इमेजिन करो कि कैप में अपने हाथ रखा और और किया तो मेरा मेरा जो जो है है वो में करेगा यहाँ पे आएगा जो आंसर आएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए वो आएगा इट विल बी वन टाइम्स के कैप या फिर सीधा के कैप लिख सकते हैं

पहले लिखो आई कैप ऐसे फिर जे कैप और फिर के कैप जो ये रेड आपको दिखाई दे रहे हैं इफ यू आर मूविंग इन डायरेक्शन अगर आप ऐसे जा रहे हो आई से जे की तरफ मतलब इन इस arrows की डायरेक्शन में आई से जे की तरफ आए तो फिर आंसर आएगा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव साइन आएगा क्या और वेक्टर क्या आएगा इन दोनों के अलावा आई और जे के अलावा जो तीसरा वेक्टर बच गया वो तो हमने देखा कि व्हेन वी वर फाइंडिंग आउट आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप वेक्टर कैप को क्रॉस प्रोडक्ट किया जे कैप से इसका आंसर क्या आएगा आई एम मूविंग फ्रोम आई टू जे तो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में ना रेड आईरोज की डायरेक्शन में तो ठीक है साइन आएगा पॉजिटिव और वेक्टर क्या आएगा कैप यही आया अब मैं के से इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट के कैप क्रॉस आई कैप अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है देखो के कैप के कैप क्रॉस आई कैप तो मैं मूव कर रहा हूँ रेड आईरोज की डायरेक्शन में तो साइन आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव है और वेक्टर क्या आएगा जे कैप। फिर मुझे फाइंड आउट करना है सपोज करो जे कैप क्रॉस के कैप जे कैप क्रॉस के कैप मुझे फाइंड आउट करना है अब देखो जे से की की तरफ जा रहा ठीक है भाई डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो साइन पॉजिटिव आएगा और वेक्टर क्या आएगा आई कैप तीन तो ये हो गए अब मुझे करना है जे कैप क्रॉस आई कैप तो जे कैप क्रॉस आई कैप है तो मैं जे से आई की तरफ जा रहा हूं ऐसे उल्टा जा रहा हूँ जो ये रेड ये वाले जो डायरेक्शन दे रहे हैं उससे उल्टा जा रहा हूँ तो मेरा आंसर आंसर क्या आएगा के तो के आएगा तो थर्ड वाला बट नेगेटिव साइन के साथ आएगा माइनस के कैप ठीक सिमिलरली और क्या बच गया अब देखो अब मैं जा रहा हूं आई से के, के की तरफ आई कैप क्रॉस के कैप ये मुझे फाइंड आउट करना है तो आई से के की तरफ आया तो साइन तो आएगा नेगेटिव और वेक्टर क्या आएगा जे कैप तो माइनस जे कैप तो ऐसे ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ये वाले छह इन छह के छह कॉम्बिनेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं ठीक है और तरीका ये होगा बेटा इस निमोनिक को आप याद रखो या फिर अगर ये याद नहीं रहता तो सीधा ही थ्री डी ये बना लो और हमें बाकी तो पता ही है कि भाई बाकी तो हमें पता ही है कि राइट एंड थम रूल लगाना है तो जो आपको सुटेबल लगे राइट एंड थम रूल लगाना सुटेबल लगे या फिर ये जो ये जो बना हुआ है सर्कल जिसमें हमें यहाँ पे ये सुटेबल लगे जो आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो बेसिक तो वही है कि एक्सिस बना लो तो ये सब ये करना ही नहीं पड़ेगा राइट एंड थंब रूल लगाओ हो गया बट अगर याद रखना है तो यू कैन गो विद दिस थिंग आल्सो इसके हिसाब से भी चल सकते हो ठीक है अब देखो जैसे हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिया था वैसे ही हम यहाँ पे भी कंपोनेंट फॉर्म में देखेंगे कि में कैसा देगा। तो ए क्रॉस बी लेना है मुझे I तो जैसे वहां एक्सपेंड किया था बेटा वही करना है ए एक्स आई कैप को लिया बी एक्स आई कैप को लिया तो एक्स बी एक्स लिख दिया और आई कैप क्रॉस आई कैप ले लिया आई कैप क्रॉस आई कैप क्योंकि यही तो वेक्टर थे जो उसका स्केलर पार्ट था उसको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लिया और वेक्टर वालों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया अब मैंने देखा आई कैप आई कैप 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 क्रॉस 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 ये ये अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा भाई प्रोडक्ट का देखो आई कैप है आई कैप। ये मुझे फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वैक्टर टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम तो एंगल क्या बेटा जीरो डिग्री और कैप अब देखो अब अगर साइन ऑफ जीरो ये जीरो हो गया तो एक जीरो सबको ले डूबेगा ना अब यूनिट कुछ भी हो फाइनल आंसर आएगा जीरो या फिर इसको बोल सकते हैं नल वेक्टर या फिर जीरो ठीक है अब आई क्रॉस आई अगर जीरो आया तो सिमिलरली जे क्रॉस जे ये भी जीरो आएगा क्यों क्योंकि तो इन वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो है सिमिलरली k क्रॉस k ये भी जीरो आएगा बिकॉज साइन जीरो हो जाएगा जीरो डिग्री और साइन जीरो क्या होगा जीरो तो मुझे पता पड़ा कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ये तीनों की तीनों चीजें क्या हो जाएंगी बेटा ये तीनों के तीनों टर्म क्या हो जाएंगे जीरो ये तीनों टर्म हो जाएंगे जीरो मेरे अब बच गए मेरे पास छह टर्म्स छह अलग अलग टर्म ना हमने जब मल्टीप्लाई किया पोलिनो को तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आई देखो एक दो तीन तीन टर्म यहां थे एक दो तीन थे तो थी, 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 नाइन हमारे बने तो इसमें तीन हो गए जीरो अब बच गए ये वाले नो अब मुझे नो के नो टर्म्स फाइंड आउट करने हैं ठीक इसको करने का तरीका क्या है कि स्केलर पार्ट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद वेक्टर जो बच गए जो वेक्टर बच गए उनका डायरेक्शन आप डिसाइड कर लो विद हेल्प ऑफ राइट एंड थम रूल या फिर यहां जो हमने देखा इधर से इससे आप डायरेक्शन ले लो ठीक है तो कंपोनेंट फॉर्म में हम आते हैं पहला टर्म तो हमने कर दिया जीरो ये हो गया जीरो जी सेकंड आया ए वाई बी एक्स यानी कि यहां पे सेकंड ले लिया और इसका पहला ही चल रहा है तो उल्टे तरीके से भी खोल सकते हैं है, है ना तो ए वाई बी एक्स फिर इसका जे था और इसका आई था तो जे क्रॉस आई ठीक जे क्रोस आई करने पर ए वाई बी एक्स और जे क्रोस आई जे क्रोस आई क्या आएगा बेटा बताओ मेरे को जे क्रोस आई वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई माइनस वन देखो मैं मूव कर रहा हूं किससे अब मैंने ये डिसाइड किया था जब डिसाइड किया कि अगर मैं इस ऐसे मूव करता हूं तो पॉजिटिव साइन लगाऊंगा यानी कि एंटीक्लोब वाइज मूव करता हूँ तो पॉजिटिव साइन लगाऊंगा अब मैं क्या ले रहा हूँ तो क्या क्या मैं इसका उल्टा जा रहा तो 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 पहली बात आएगा। तो आएगा? उसके बाद वेक्टर क्या आएगा? जो तीसरा बच गया जे क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड आएगा माइनस वन टाइम्स के कैप तो यानी माइनस के कैप आ जाएगा अब देखो यहां जो जे क्रॉस आई था ए वाई बी एक्स इसके साथ लिख दूंगा मैं ए वाई बी एक्स इंटू माइनस के कैप ठीक आगे गए ए जेड बी बी एक्स के क्रोस आई के क्रोस आई की वैल्यू ले लो के क्रोस आई के से आई की तरफ गया ठीक है सर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो जे कैप आ जाएगा तो यानी ए जेड बी एक्स जे कैप ऐसे ही मैं छह के छह टर्म्स को सिंप्लीफाई करूंगा और फिर फिर जो मेरे पास कॉमन टर्म्स आएंगे जैसे कुछ दो टर्म आएंगे जिनमें जे कैप होगा दो आएंगे जिनमें के कैप होगा और दो आएंगे जिनमें आई कैप आएगा उन सबको कॉमन और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो फाइनल आंसर बेटा आपका ये आएगा ठीक ऐसा आएगा फाइनल आंसर अब ये तो हो गई फॉर्मूले वाली बात बट जब इसको हम करने बैठेंगे वेन वी विल बी डूइंग दिस विद हेल्प ऑफ सम क्वेश्चन तो वो बहुत ईजी हो जाएगा उसमें इतना ध्यान रखना नहीं पड़ेगा बस हमें ये वाला ड्रॉ करना है आई जे के और साइन डिसाइड करना है इस इधर से हो जाएगा ठीक है तो चलो एक बार क्वेश्चन करेंगे इसके अलावा एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है इसको शॉर्टकट बोलो एसेंशियली काम तो यही हो रहा है यही वाला कैलकुलेशन होगा बट उसको लिखने का एक थोड़ा सलीके वाला काम हो सकता है दैट इज विद हेल्प ऑफ 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 मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो a क्या बताता है ए क्रॉस बी को बताएगा अब आपको लिखना है कैसे लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप लिख लो एक्स एवाई ए जेड बी एक्स बीवाई बी जेड ये निकाल लो फिर आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी होगी कि डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट में यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो आती है माइनस वन टाइम्स आई प्लस जे ये होता है तो आपको साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है इस मदद से I J, ये I vector, J vector नहीं है यहाँ पे नंबर ऑफ रो आई जो है रो का नंबर है और जे है कॉलम नंबर तो देखो यहाँ पे रो वन है और कॉलम वन है तो वन वन आएगा ये वन टू आएगा रो वन कॉलम टू ये वन थ्री तो वन वन में क्या आएगा इट विल बी माइनस वन की पावर वन प्लस वन यानी कि माइनस वन की पावर टू यानी कि वन ठीक है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा इधर माइनस वन की पावर वन प्लस टू आएगा ठीक है इसको क्या करोगे माइनस वन की पावर थ्री तो, तो ये आएगा माइनस वन तो ये इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा ऐसे पॉजिटिव आएगा तो ये रूल यूज होता है इसको याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं बट सबसे बेस्ट तरीका है याद यही रख लो कि पहला वन वी आर यूजिंग दिस शॉर्टकट ट्रिक तो क्या करना है इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा ये जो सेकेंड टर्म है उस पर फर्स्ट टर्म थी तो इस वाले को ओमिट कर दो बचा क्या इसको मल्टीप्लाई किया माइनस ये e किया एवाई बीजेड माइनस बी वाई एजेड और आई कैप क्योंकि आई कैप पॉजिटिव था फिर सेकेंड टर्म के साथ मैंने नेगेटिव लगा दिया पहले ही क्यों क्योंकि यहाँ पे इस रूल को माइनस वन की पावर आई प्लस जे के हिसाब से हम लोग डील करते हैं

बस हाथ चलाओ लिखो कुछ जो आपके मन में आए फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में चलो एक रोज बी निकालना है वेक्टर ए दिया हुआ है वेक्टर B दिया हुआ है सिंपल मल्टीप्लाई करना है बेटा जैसे हम लोगों ने पोलो मिल एक्सपेंड करी थी और डायरेक्शन यहां से आएगी आई जे के जो रेड एरोज है इनकी डायरेक्शन में मूव करोगे तो पॉजिटिव साइन लेना है आई दे जे के और राइट एंड थम रूल से भी निकाल सकते हो अगर वहां से समझ नहीं आ रहा कि ये क्या असर एरो है तो सीधा बेटा आई कैप तो ये होता है जे कैप ये होता है और के कैप ये होता है अब राइट एंड थम रूल लगा लो इसमें करो ठीक है बेटा सॉल्व करते हैं अभी इसको देखो हमें वेक्टर ए दिया, दिया है राइट अब कंपोनेंट वाइज हमें बी तो का मैग्नेटू टाइम्स साइन ऑफ थीटा बिटवीन थी और एन कैप ठीक है अब हम लोग क्या कर रहे हैं हमें कंपोनेंट वाइज दिया तो कंपोनेंट वाइज कैसे करेंगे देखो एक्सपेंड कर लेंगे इस क्वेश्चन को लेके आता हूं मुझे ए क्रॉस बी निकालना है वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी दिया है क्या होगा बेटा दिस विल बी टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस थ्री कैप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस नाइन कैप अब देखो अब मैं क्या करूंगा I will take these value. पहला उठाऊंगा टू आई कैप फिर थ्री इससे मल्टीप्लाई करूंगा थ्री आई से फिर फोर जे से फिर नाइन के से फिर दूसरा उठाऊंगा फिर सिमिलरली इन तीन से करूंगा फिर ये तीसरा थ्री कैप उठाऊंगा फिर इन तीन से ठीक है तो पहले उठा लेते हैं देखो इसको टू आई कैप को ये इक्वल टू क्या होगा टू टाइम्स आई कैप टू टाइम्स आई कैप क्रॉस थ्री टाइम्स आई कैप ये मैंने किया ये किसके बराबर आएगा देख लो टू इंटू थ्री सिक्स आईक्रोस आई।, आई, आई क्या होता है जीरो जीरो होगा ना तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा क्यों क्योंकि तो साइन थीटा लेते हैं और साइन ऑफ जीरो जीरो होगा अब देखो एक तो ये ये होगा ठीक है अब देखो मैं टर्म वाइज एक्सपेंड कर देता हूँ बेटा बार बार ऐसे ये नहीं करेंगे इतना लंबा लंबा टर्म वाइज कर देता हूं टू आई कैप थ्री आई कैप जीरो ठीक है आई आई के साथ था अब टू आई कैप क्रॉस फोर जे कैप तो टू फोर इंटू टू एट i जे j. j क्या होगा पॉजिटिव के कैप भाई आई से जे की तरफ के की तरफ गया तो पॉजिटिव के कैप आ गया नाउ टू आई कैप क्रॉस माइनस नाइन के कैप तो टू इंटू माइनस नाइन माइनस एटीन आईक्रोस जे आईक्रोस के आई से के तरफ आया हूँ उल्टी डायरेक्शन में तो ये आएगा माइनस जे कैप ठीक फिर सेकेंड उठाता हूं माइनस फाइव जे कैप इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस फाइव जे कैप क्रॉस थ्री आई कैप तो माइनस का 15 जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई मतलब माइनस के कैप सिमिलरली उठाएंगे माइनस फाइव जे कैप को फोर जे कैप के साथ जे और जे है तो जीरो हो जाएगा बेटा नाउ माइनस फाइव और नाइन फोर्टी फाइव जे क्रॉस के आई कैप ठीक है आई कैप आ जाएगा फिर थ्री के कैप को थ्री आई कैप के साथ थ्री इंटू थ्री नाइन के क्रॉस आई के क्रॉस आई क्या होगा जे कैप हो जाएगा थ्री के कैप इंटू फोर जे कैप तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व और के कैप इंटू जे कैप माइनस आई कैप और के इंटू के ये जीरो हो जाएगा अब इन सब को एक्सपेंड कर लूंगा दोबारा से सोल्व करते हुए माइनस और माइनस ये प्लस जे कैप माइनस फिफ्टीन और ये प्लस फिफ्टीन के कैप देन फोर्टी फाइव आई कैप टैप अब देखो इन सब को सोल्व करते हैं तो फोर्टी फाइव माइनस ट्वेल्व आई करेंगे तो थर्टी थ्री आई कैप जे कैप और जे कैप वाली एड कर लो एन प्लस ट्वेंटी सेवन जे कैप और फिफ्टीन और एट फिफ्टीन और एट ट्वेंटी थ्री के कैप ये आंसर आएगा कितने बच्चों का आ गया ये सेम आंसर कितने बच्चों का आया है ठीक है शाबाश तो तरीका ये आ गया बेटा ऐसे ही शॉर्टकट तरीका लगाएंगे बस इसको ये वाला जो पार्ट था ना इसको ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको डायरेक्शन का आइडिया लगता रहेगा और एक दो क्वेश्चन जब कर लोगे जो सीखा है एक बार नोट्स पढ़ना एक दो क्वेश्चन कर लेना तो आपका जो है आंसर आने लगेगा ठीक है सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे घर पे पहला घर आ दिया है सेकेंड करेंगे नहीं आएगा तो बताएंगे अदरवाइज ये सब चीजें फिर हम कल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट देख के फिर नया स्टार्ट करेंगे दूसरा इसका चल चलो अभी डाउट है तो पूछ लो कुछ नहीं तो वी कैन ड्रॉप